और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। विदेश मंत्रालय ने पीएनबी महाघोटाले में फरार चल रहे कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, विदेश मंत्रालय की ओर से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द किया गया है। एक हफ्ते में जवाब नहीं देने के बाद विदेश मंत्रालय ने ये पासपोर्ट रद्द कर दिया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, और क्या डिटेल्स हैं? पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है क्योंकि कोई जवाब नहीं मिला, ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए पीएनबी फ्रॉड सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय से सिफारिश की थी और इसके बाद ही दोनों को नोटिस जारी किया गया था, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को, और उनको एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा था विदेश मंत्रालय ने, लेकिन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया इस मामले में, लिहाजा विदेश मंत्रालय ने दोनों का ही पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है मीमांसा कि जिस भी कंट्री में मेहुल चौकसी और नीरव मोदी मौजूद हैं, अब उस देश से वो दूसरे देश नहीं जा सकेंगे। अगर यदि उनके पास कोई दूसरे देश का पासपोर्ट है या कोई फर्जी पासपोर्ट है उसके जरूर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसका सीधा इस एक्शन का मतलब यही है कि नीरव मोदी जिस देश में भी हैं अब उस देश से दूसरे देश नहीं जा सकते जब तक कि पासपोर्ट उनका दोबारा नहीं बनता है या वो सामने नहीं आते हैं जांच एजेंसियों के। तो ये एक बड़ा एक्शन है विदेश मंत्रालय की तरफ से।